नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी वैशाली नगर में हूँ और ये वैशाली नगर का नर्सरी सर्किल जयपुर में, और आज का ये वीडियो जयपुर शहर को देखने वाले हैं। यहाँ वैशाली नगर से हसनपुरा तक जाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, मज़ा आने वाला है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये नर्सरी सर्किल से आम्रपाली सर्किल के बीच का जो रोड है, और ये पूरा मार्केट, यहाँ ये नर्सरी सर्किल, और ये सामने यहाँ वैशाली पोस्ट ऑफिस, और यहाँ इस रोड पे आपको इस तरह से ये ठेले पे हर एक चीज़ मिल जाती है। यानी इसको फूड कोर्ट बोलते हैं एक तरह से। इस सर्किल से जहाँ से हमने शुरू किया, नर्सरी सर्किल से, और आगे ये इधर आम्रपाली सर्किल, गुप्ता स्टोर का जो सर्किल है, बीच में ये पूरा फूड कोर्ट है। ये देखें आप, यहाँ बिरयानी वाला है भैया, ये यहाँ मेमोज, वेज रोल, ये सब आपको यहाँ मिल जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ वर्मा कुमारी जी का सेंटर है वैशाली नगर का, और ये साथ इसके एक हॉस्पिटल है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और ये जैसे मैंने आपसे बात किया, पाव भाजी है, आइसक्रीम है, और ये देखिए आप, हर तरह की स्टॉल यहाँ आपको इस रोड के ऊपर। ये पूरा का पूरा आप ये समझे कि ये यहाँ पर खाने पीने का हर सामान आपको मिल जाता है। ये फूड कोर्ट है यहाँ का। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ आम्रपाली सर्किल है, और ये आम्रपाली सर्किल जिसे गुप्ता स्टोर के नाम से भी जाना जाता है, ये गुप्ता स्टोर इसके पास में ही है। और ये पूरा सर्किल जिसमें चार रास्ते हैं। कभी यहाँ पर राउंड बोर्ड हुआ करता था, मैंने देखा है यहाँ पर, जो तकरीबन 8-10 साल पहले यहाँ से राउंड बोर्ड हटा दिया और इसको अभी सर्किल बना दिया, सिग्नल लगा दिया यहाँ पे। ये जैसे सिग्नल सामने लगे हुए हैं, ऐसे ही आम्रपाली पे और ऐसे ही नर्सरी पे जहाँ से हमने शुरू किया वैसे ही था। अभी यहाँ ये सर्किल हटा के, राउंड बोर्ड हटा के ये सिग्नल इसको बना दिया, जिससे बोलते हैं कि ट्रैफिक कम होता है। जो भी है, अभी ये सिग्नल है। आइए आगे चलते हैं। और ये आम्रपाली सर्किल से आगे निकलते ही आगे का मार्केट, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर सब आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये यूनिक बिल्डर का, यूबी का एक बिल्डिंग, और सामने यहाँ पर बड़ा एक सोने का दुकान इसी रोड के ऊपर। आइए और आगे चलते हैं। और ये वैशाली नगर का थोड़ा आगे चलते ही आगे का एरिया, जहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर हैं। और वैशाली नगर जैसे आपको पता ही होगा, एक पॉश इलाका है जयपुर का, एक पॉश रिहायशी इलाका है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं। तो ये बहुत ही शानदार शानदार बिल्डिंग आपको यहाँ दिखाई दे देती है, और बहुत शानदार शानदार घर यहाँ पर, विला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं वैशाली में। आइए और आगे चलते हैं। और ये बड़े बड़े ब्रांड इसी रोड के ऊपर। आइए और हसनपुरा की तरफ आगे चलते हैं। और यहाँ एक कॉर्नर के ऊपर एक और बड़ा सा बिल्डिंग ये तैयार हो गया, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड ये आ रहे हैं। और ये सामने यहाँ पर एक बड़ा सा शोरूम, 3-4 मंजिल की ये बड़ी बिल्डिंग। और यहाँ से आगे अभी आर्मी का एरिया शुरू हो जाता है, तो आर्मी में हम नहीं बनाएंगे, उसके बाद आगे का आपको क्लिप दिखाता हूँ। आइए आगे चलते हैं। और ये आगे एक तिराया है, सिग्नल है, यहाँ से यदि हम राइट में जाएंगे तो हसनपुरा रेलवे स्टेशन,
और लेफ्ट में जाएंगे तो कालवाड़, सिरसी रोड और जोटवाड़ा, ये इस बोर्ड पे दिखा रखा है। आइए हमें राइट में जाना है हसनपुरा की तरफ, आगे चलते हैं। और ये आर्मी का एरिया ख़त्म होते ही हसनपुरा में एंट्री होती है, तो ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का देखने को मिलता है। ये बहुत सारी यहाँ पर लोखंड की दुकानें, और ये यहाँ का व्यू, और ये द्रौपदी नदी का पुल जो हसनपुरा को वैशाली से जोड़ता है, और ये नदी का मुहाना जो अभी एक नाले का रूप ले चुका है ये, और ये यहाँ का व्यू। और ये नदी क्रॉस करते ही आगे का व्यू, और यहाँ एक मंदिर, और ये आगे आप देख ले। आइए आगे चलते हैं। और ये यहाँ इस मोड़ के ऊपर औलिया मस्जिद, काफ़ी बड़ी मस्जिद यहाँ पर ये है। और ये हसनपुरा का सब्जी मंडी यहाँ पर, और ये सब्जी मंडी के पास में चौराया या तिराया जिसे बोलते हैं, और ये यहाँ का मार्केट, और इसी के साथ ये NBC कंपनी, नेशनल बेयरिंग कंपनी, टाटा ग्रुप की काफ़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर हसनपुरा में, जयपुर में। और ये थोड़ा आगे आते ही यहाँ पर पूरा नॉनवेज का दुकानें, काफ़ी पुरानी पुरानी दुकानें यहाँ नॉनवेज की, क्योंकि यहाँ हसनपुरा में नॉनवेज बहुत सारा चलता है। और ये मेन रोड, और इधर ये NBC के पास में दुकानें लोग लगा के बैठे हुए रोड के साइड में। आइए आगे चलते हैं। और ये NBC का मेन गेट यहाँ पर, और NBC टाटा का नहीं है ये, CK बिरला ग्रुप है, काफ़ी बड़ी कंपनी है इसी रोड के ऊपर। ये इधर स्टेशन, आगे जाएंगे तो, और इधर जाएंगे तो ये वैशाली का एरिया आएगा आगे, जहाँ से हम चल के आए हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।